सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि लॉकडाउन को लेके केंद्र की क्या भूमिका है, वैक्सीनेशन के दाम को लेकर, लोगों को लगाने तक को लेकर केंद्र से पूछा है। हम केंद्र से जानना चाहते हैं कि अब चुनाव खत्म हो गए, ये कहना मोदी जी का कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं, जहां जहां जरूरी है कोई एक पॉलिसी बनाई जाए, वैक्सीन को लो के भी संभ्रम है, सुप्रीम कोर्ट जानकारी मांग रहा है, हम मांग करते हैं कि न्यायालय जो फैसला करेगा करेगा, लेकिन मोदी जी देश में हेल्थ इमरजेंसी लागू करें और देश के सभी विपक्षी पार्टियों को बुलाएं, बैठें और कोई एक रणनीति के तहत इस संकट से लड़ा जाए। अकेले मोदी जी के बस का ये संकट से लड़ना नहीं देखिए, है। भारत में जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिन रात एक करके लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, मुझे लगता है कि अपोजिशन अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन जनता की सेवा में पूरी तौर से सरकार 24 घंटे लगी हुई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में, और हर वो सुविधाएं जो एक नागरिक को चाहिए वो हम उसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी समस्या हो रही है, तो हमने ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए सेना के पास अगर ट्रक हैं, हमने उनसे भी कहा है, DRDO के पहले से ही 500 बेड्स का सेंटर यहाँ पे चल रहा है, ऐसे सेंटर्स अगर और चल सकें तो और अच्छा होगा, लेकिन ऑक्सीजन लाने ले जाने के लिए इस समय हमें बहुत मदद की ज़रूरत है। और अगर जहाँ से भी जिस सोर्स से भी मदद हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर से, सोशल सेक्टर से, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफरेंट विंग्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे मांग रहे हैं। कल हमें 440 टन ऑक्सीजन मिली है, मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली है, जो कि 590 के अलोकेटेड कोटे से भी कम है। और इनफैक्ट दिल्ली में जैसा मैंने कहा कि एट प्रेजेंट हमें 700 से ज़्यादा मीट्रिक टन चाहिए और धीरे धीरे हमें बेड भी बढ़ाने हैं, तो हमें 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। दिल्ली की व्यवस्था है उसके लिए दिल्ली सरकार ही जिम्मेवार है, और ख़ास तौर पे जब इनका जो फाइनेंशियल ईयरली बजट है, एक साल का बजट 10,000 करोड़ है, पिछले 7 साल से ये शासन में है, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे इन्होंने पैसा उड़ाया है, ना ICU की व्यवस्थाएं बढ़ाई हैं, ना नए अस्पताल बने हैं, बल्कि 300 के आसपास 299 या 98 कुछ ऐसे मेटर्निटी सेंटर दिल्ली में थे, जो कि आज घट के 260 रह गए हैं। तो मेटर्निटी सेंटर्स बंद हुए हैं, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर का एक रिक्विजिशन होता है जो 24 घंटे चलना चाहिए, उसमें इन पेशेंट आउट पेशेंट के भी चीज़ें होती हैं, उनको भी बंद किया गया है।